मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मानव संसाधन विकास और कौशल विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अपने बीच वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शहरी विकास माननीय हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी हैं। अपने जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी हैं। अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी और कविंद्र गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर प्रदेश के सह प्रभारी श्री आशीष सूद जी और जम्मू के सांसद माननीय जुगल किशोर जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है श्री तरुण चुग जी से कि आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करके लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य बन रहे हैं, वरिष्ठ नेता सदस्य बन रहे हैं, तो मेरा माननीय तरुण चुग जी से आग्रह होगा कि उन दोनों माननीयों का परिचय कराएं। माननीय तरुण चुग जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री हरदीप पुरी जी और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी इकाई के अध्यक्ष रविंदर राणा जी, हमारे दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व स्पीकर रहे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी, पार्टी के मेरे सहयोगी और सह प्रभारी श्री श्री सूद जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष सांसद मधुरभाषी श्री जुगल किशोर जी, आज दो जम्मू कश्मीर के बहुत वरिष्ठ नेता जिनका जम्मू कश्मीर की राजनीति पर बहुत बड़ी छाप है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक आवाज भी दी है, श्री दविंदर सिंह रैना जी 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार एमएलसी के नाते, 1 बार विधायक के नाते, वहां के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग 3 दशक तक काम किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 स्टेट्स हैं, जम्मू और कश्मीर। जो जम्मू स्टेट है, जम्मू प्रोविजन जिसको वो बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं और पिछले दिनों जम्मू डेक्लरेशन, जम्मू के कई मुद्दों को इन्होंने बड़ी बेखूबी से उठाया। आज भारतीय जनता पार्टी के आंगन में आए हैं पार्टी के सदस्यता लेने के लिए और संजय मयूख जी और अनिल बलूनी जी ने आज का ये आयोजन रखा है। अभी उनको सदस्यता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान जी और हरदीप पुरी जी उनको पटका डालकर और उनकी सदस्यता पर्ची देकर करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। धर्मेंद्र राणा जी ने जम्मू के एक एक गांव में, जम्मू कश्मीर के एक एक मंडल में, एक एक कस्बे में जाकर लोगों को सुना है, लोगों के साथ संबंध बनाया है। उनकी एक एक उसे डॉक्टर मित्र आओ, डॉक्टर आओ, डॉक्टर मेरे नाल आओ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ आप सबका परिचय है ही, जम्मू से, जम्मू कश्मीर से सांसद हैं और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और डॉक्टर साहब अभी एक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में थे, इसीलिए हम सब लोगों ने उसका इंतजार किया। मैं परिचय करा रहा था दविंदर जी का,
बहुत बड़ा योगदान वहां की लोकल पॉलिटिक्स और उसके लिए काम किया है। दूसरा परिचय मैं करा रहा हूं, सुरजीत सिंह सलाठिया जी। सलाठिया जी हाथ जोड़ दो। सुरजीत सिंह सलाठिया जी दो टर्म लेजिस्लेटर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सांबा के मूलतः रहने वाले हैं और वहां एनसी को ये चलाने वाली जो दो बड़ी शख्सियतें आज यहां बैठी हैं, मैं दोनों का स्वागत करता हूं और विनती करता हूं संजय जी से, संजय बलूनी जी से, कि अगली कार्रवाई शुरू करें। मेरा माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हरदीप पुरी जी और जितेंद्र जी सिंह जी से आग्रह होगा कि आप संयुक्त रूप से श्री देवेंद्र सिंह राणा जी को सदस्यता प्रपत्र देकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी को भी चलिए बैठ जाए सब लोग। मेरा सादर अनुरोध होगा अपने केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आज अपने बीच जो नए सदस्य शामिल हुए हैं उसका शब्दों के माध्यम से अभिवादन करें। माननीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे बीच मंत्रिपरिषद में हमारे सीनियर साथी एवं वरिष्ठ नेता
आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर प्रदेश के सह प्रभारी आशीष सूद जी, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी, लोकसभा में मेरे सांसद साथी जुगल किशोर जी, सबसे पहले तो अभिनंदन है, स्वागत है। इस परिवार में दो और सदस्य आज जुड़ रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी और सुरजीत सिंह जी। जिस प्रकार पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी है, और आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उनके आरंभिक वक्तव्यों में एक बार कहा गया था कि देश के वो क्षेत्र, वो हिस्से, जो राज्य जो कहीं ना कहीं मुख्यधारा से छूट गए या पिछली सरकारों की कुताई के कारण प्राथमिकता में नहीं आए, उनको विकसित करके विकसित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाएगा, भले ही पूर्वोत्तर हो, भले ही जम्मू कश्मीर हो। और उस दिन से लेकर के आज तक हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जो सर्वप्रथम दीपावली हुई है 26 अक्टूबर 2014 को, आप तो समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में पहली दीपावली का कितना महत्व रहता है, भले वो विवाह के बाद हो, भले किसी शुभ कार्य के बाद हो। और यहां ये पहली बार हम देख रहे थे कि एक प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सर्वप्रथम दीपावली उन्होंने कश्मीर घाटी में जाकर के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में बिताई। उस दिन से लेकर के आज तक मोदी जी के नेतृत्व में जो नवीन भारत, न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है, उसमें जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी गई। यदि कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कालखंड गुजरा है जब 2-3 मास में एक बार मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का प्रवास ना किया हो, और इतनी संवेदनशीलता के साथ कि हर बार उनका यह आग्रह रहता कि मैं तीनों क्षेत्रों को टच करना चाहता हूं। एक ही दिन में उनका प्रवास जम्मू में भी रहता, श्रीनगर में भी रहता और लेह भी रहता। और इसलिए ये स्वाभाविक है कि वो प्रत्येक नागरिक, वो प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो इससे पूर्व किसी भी बंधन में क्यों ना हो, मोदी जी से प्रेरित होकर के जो उनकी प्रतिबद्धता है, और जो कोई भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को प्रतिबद्ध है, उसके लिए स्वाभाविक है कि वो इस परिवार का हिस्सा बने। इसके उपरांत 5-6 अगस्त 2019 के बाद आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक नया संवैधानिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन लाकर के जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दी, और उसको भारत की अथवा नवीन भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग बना दिया। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो अध्यक्ष बनने से कई बरस पहले तक प्रभारी रहे, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी उनके पास जम्मू कश्मीर का दायित्व था, प्रत्येक कार्यकर्ता को भलीभांति परिचित हैं, और उनके नेतृत्व में कोरोना काल में भी कोई ऐसा दिन ना गुजरा जब वो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ वीसी के माध्यम से या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से संबोधित ना रहते। और आज हमें गर्व है कि हम कार्यकर्ता हैं उस राजनीतिक दल के जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उसके साथ हमारे दो और मित्र जुड़ रहे हैं। एक सांकेतिक अवसर भी है ये जम्मू कश्मीर के उन सभी वासियों के लिए, चाहे किसी भी संभाग से ताल्लुक रखते हों, क्योंकि संतुलित विकास और संतुलित प्रगति का जो संदेश मोदी जी के माध्यम से गया है, उसका ये प्रतीक है कि आइए हम सब जुड़ जाएं। जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और जम्मू कश्मीर को पुनः उसी डगर पर लाना, उसको खड़े करना उसी शान और शौकत के साथ, इसलिए सबका प्रयास अनिवार्य है। हमारे दो मित्रों ने आज ये सिद्ध करके सारे जम्मू कश्मीर वासियों को, कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक जीवन से जुड़े
सभी को एक संदेश दिया है और मुझे विश्वास है कि आज हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से गुजर रहे हैं। आने वाले सालों में जब भारत विश्व पटल पर प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा, जम्मू कश्मीर उसके मुकुट के नूर के रूप में उज्जवल उज्जवल दूर से दिखाई देगा। एक बार फिर से देवेंद्र जी का और सुरजीत जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आपको संबोधित करें और अपने दोनों आगंतुकों का अभिवादन करें। आज की इस पार्टी की ज्वाइनिंग प्रोग्राम में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र जी, दो वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कविंद्र गुप्ता जी, जुगल किशोर जी, सह प्रभारी आशीष सूद जी, संजय मयूख जी तथा आज जम्मू कश्मीर राजनीति को एक नया करवट देने के लिए हमारी पार्टी में जो दो दिग्गज नेताओं की ज्वाइनिंग हुई हमारी पार्टी में, ऐसे मेरे मित्र जिनको मैं लंबे अरसे से जानता था, जो भी भारतीय राजनीति की विद्यार्थी रहेगा J&K को अध्ययन करेगा ही, और ऐसे ही मेरे कभी अध्ययन में मैं ऐसे एक शख्सियत से परिचित हुआ था। ऐसे आज हमारी पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे मित्र देवेंद्र राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, ये अपने आप में ये दोनों की उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों से, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और देश की संविधान बनने के उपरांत संसद ने कई बार कई घटनाओं की साक्षी रहा है। जम्मू कश्मीर की विकास कैसे हो, जम्मू कश्मीर की लोगों की उन्नत कैसे हो, उनकी जीवन ठीक कैसे हो, इसके ऊपर देश सदैव प्राथमिकता रखी है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक आयाम से J&K से जुड़े हैं। उनकी विचारों से, उनकी नेतृत्व से आज सहमति जताते हुए मित्र देवेंद्र राणा जी और सुरजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। आज धारा 370 2019 अगस्त 5 की उपरांत पिछले 2 साल से अनेक काम हुए हैं और आज मैं मानता हूं उन सारे कामों में विश्वास रखते हुए देवेंद्र जी और सुरजीत जी की ज्वाइनिंग उस गति, उस कामों की गति को, उस विकास के प्रवाह को जम्मू कश्मीर और भारत की और मजबूत एक स्तंभ बन के दोनों खड़े रहेंगे। मैं उनको पार्टी में केंद्रीय इकाई की ओर से और जम्मू कश्मीर इकाई की ओर से स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता और लंबे समय तक विधायक, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री देवेंद्र सिंह राणा जी से कि आप अपने शब्द रखें। माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी,
माननीय सांसद जम्मू पूंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी माननीय जुगल जी, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी और निर्मल सिंह जी, और सह प्रभारी माननीय अशीष सूद जी, एक लंबा सफर है सियासत का और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जम्मू डिक्लेरेशन का आह्वान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए, जो एक ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से हो, जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हो। और इस नैरेटिव को जब मैंने एक शक्ल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की, उनसे कहा कि इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के बाद मैं समझता था जाती तौर पे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई, वो किसी एहसास से कमतरी का शिकार थे और इसलिए हमने कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री एंड इट विल स्ट्रेंथन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके चलते विभिन्न दलों से बात हुई, सिविल सोसाइटी से बात हुई, इंटेलेक्चुअल से बात हुई और विरोधाभास भी हुआ। कुछ लोगों ने एतराज किया मेरे इस वक्तव्य पे, जमात के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र रैना जी यहां बैठे हैं और मेरे और साथी जो यहां बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे साथी रहे, कहीं लेजिस्लेटर में रहे, कहीं कहीं रहे, इन्होंने अपना योगदान देने के लिए, और जब मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी यहां बात की अपने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, दे वर वेरी फोर्थकमिंग ऑन दी जम्मू डिक्लेरेशन। और मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए, जम्मू टू शुड हैव अ नैरेटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू ऑल्सो हैज द राइट टू हैव अ नैरेटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर, अ पोलिटिकल नैरेटिव। आफ्टर ऑल द स्टेट वॉज कार्व्ड आउट बाई द डोगरास, महाराजा गुलाब सिंह कार्व्ड आउट द स्टेट एंड इट वॉज जनरल जोरावर सिंह अ डोगरा अगेन हु टुक द बाउंड्रीज अप टू तिब्बत एंड दिस जम्मू एंड कश्मीर वॉज कार्व्ड आउट बाई द डोगरास एंड देयर आर सैक्रीफाइसेस ऑफ द डोगरास। डोगरास ऑल्सो मस्ट हैव अ नैरेटिव, अ पोलिटिकल नैरेटिव ऑन जम्मू एंड कश्मीर। It will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party, Prime Minister Modi Saab, Amit Shah Saab, and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu in Jammu and Kashmir and in the country, and to strengthen the secular ethos. There are people who want to weaken the ethos of Jammu and Kashmir. There are some people who are the perpetrators of the Dixon plan. Jammu declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon plan to succeed. Dixon plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir, and we will not allow Dixon plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach. We join the party with this in mind, and we are sure that in the national interest, the party will help us take forward the aspirations of the people of Jammu
who feel relegated and have a sense of deprivation. I thank Dharmendra Pradhan ji and through you, Nadda Sahab, Amit Shah Sahab and the Prime Minister Modi Sahab for giving us an opportunity and the President of the Pradesh, Ravindra Raina ji and Tarun Chugh Sahab and Sood Sahab for giving us an opportunity to be a part of this party and to work for the party, and I'm sure we will contribute in a humble way as small workers of the party to strengthen the party and strengthen the people of Jammu and Kashmir. मेरा आग्रह होगा आज ही सदस्यता ग्रहण करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुजीत सिंह सलाथिया जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जनाब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मंच पे उपस्थित हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान अरविंदर राणा जी, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, सूद साहब और कविंदर गुप्ता जी, बड़े लंबा अरसा है एक जमात में रहते हुए आज हमने पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा किया है और आज हम भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप के लिए हम इस जमात में शामिल हुए हैं। मैं देवेंद्र प्रधान जी आपका और माननीय हमारे भाई जितेंद्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और तमाम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और जेपी नड्डा साहब, मैं सबका और तरुण चुघ जी का सबका बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इस पार्टी में शामिल किया। और आप जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस जमात को मजबूत किया जाए और किस तरीके से हम अपना जेएनके में जम्मू कश्मीर में जो मुश्किलात है उसको कैसे हल किया जाए, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। और भरपूर कोशिश करेंगे तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, जैसे देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा कि हम जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है, ये बात पिछले 5-7 महीने से हमने इस बात पे काम करना शुरू किया था और जो लोग बुद्धिजीव हैं वहां उनसे भी बात की और बाकी पार्टीज को भी ऑफर किया था कि हम सब इकट्ठे होके जम्मू की आवाज बने और जम्मू कश्मीर ये आवाज जो है निकल के जाए और जम्मू कश्मीर के साथ जो इंसाफ किया जाए और हर तरीके से ऐसा काम किया जाए जिसमें से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के और यहां के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इनके हाथों को मजबूत किया जाए करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जम्मू कश्मीर के विषय पर लगातार संघर्ष करने वाले हमारे लोकप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी से आग्रह होगा इस सौभाग्यशाली समारोह में अपना साधुवाद ज्ञापित करें। माननीय रविंद्र रैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय केंद्र सरकार में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय तरुण चुघ साहब, श्रीमान
डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, श्री आशीष सूद जी, संजय जी और यहां सभी जो मेरे दो सहयोगी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी और श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया साहब को मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हृदय से बधाई देता हूं और इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर में कार्य करेंगे और जो मिशन जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि आगामी जम्मू कश्मीर में परिसीमन होने के बाद, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होने के बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 50 से अधिक सीटें जीतकर मिशन 50 प्लस को लेकर जो हम चले हैं, हम उसमें कामयाब होंगे और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने, इस विश्वास के साथ मैं अपने दोनों सहयोगियों का जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी और श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर काम करेंगे और इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी की ताकत और पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। मैं हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूं और अपने वरिष्ठ सहयोगी साथियों का जो आज इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित रहे, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान हरदीप पुरी जी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आपने विशेष समय निकाल के यहां आज इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 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 डॉक